किस तरह से बिहार में बेटियां असुरक्षित है, सरकारी संरक्षण में रह के लड़कियों को व्यापार करवाया जा रहा है, उसकी हत्या की जा रही है, बलात्कार करवाया जा रहा है। इस घटना के विरोध में गाय घाट शेल्टर होम की घटना की बच्चियों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आज हम लोग सड़कों पे उतरे हैं। हर दिन लड़की लोग प्रताड़ना दिया जा रहा है, कभी घर से, कभी बाहर से, ससुराल से, लोग भी दे रहा है। हाँ, इसमें सब शामिल है। हाँ, महिला है। हाँ, मेरा इज्जत है, मेरी बेटी बहू का इज्जत है। तो सरकार कहेगा भी सुनेंगे। उत्पीड़न तो लगातार बढ़ा है। शराब से कोई उत्पीड़न नहीं बंद हुआ है, अभी जेलों में सबसे ज्यादा गरीब लोग बंद हुआ। तो यहाँ पर बुद्धा स्मृति पार्क के पास एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला जा रहा है महिला संगठनों द्वारा, गाय घाट के खिलाफ जो शेल्टर होम का मामला आया है, बच्ची के साथ जो दुष्कर्म का मामला आया है, उसके खिलाफ महिला संगठन, बहुत सारी महिला संगठन जो है सड़क पर उतरे हैं और नारीवादी करते हुए आगे की ओर निकल रही हैं। क्योंकि जिस तरह से सरकार का रवैया रहा है, कहीं ना कहीं मामले को निपापोती कर दी जा रही है, करने की कोशिश की जा रही है, और ये अंदेशा लगा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है, इस वजह से बड़े लोगों का संरक्षण है, इसी वजह से इस तरह की मामला दोहराई जा रही है। क्योंकि जिस तरह से मुजफ्फरपुर सेंटर होम का कांड हुआ, उसके बाद गया में इस तरह की मामला आया, अब फिर से एक बार गाय घाट में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार पे सवाल उठना लाजमी बनता है। क्योंकि सरकार जो है लगातार दावे कर रही है कि इस सरकार में महिला और बच्ची सुरक्षित है, महिला सशक्तिकरण की नारा देती है, महिला उत्पीड़न का को खारिज करती है कि महिला उत्पीड़न बहुत तेजी से नीचे गिरा है जब से शराब बंदी हुई है, और जिस तरह से सरकार का कहना है कि हमने जो है महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, क्योंकि शराबबंदी किया है, बच्चियों को पोशाक और साइकिल दी है, शिक्षा का प्रसार प्रसार हुआ है महिलाओं में तेजी से, तो इस तरह की मामले कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल का निशान खड़ा करती है। क्योंकि सरकार खास करके महिला सशक्तिकरण, महिला उत्पीड़न रोकने में नाकाम रही है, और सशक्तिकरण की बात की जाए तो लगातार इस तरह के मामले बार बार आ रहे हैं। मैंने पिछले दिन बताया कि सीमा कुशवाहा इस मामले को संज्ञान में लेते हुए, जब से पटना हाईकोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लिया, तब सुप्रीम कोर्ट के वकील, जो कि निर्भया के वकील थी सीमा कुशवाहा, वो इस मामले को संज्ञान में स्वतः लेते हुए वो पटना में आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, और जो भी महिला संगठन थी उन लोगों को कहा कि निश्चिंत रहिए, हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे भी। क्योंकि जिस तरह से मैडम सरकार तो कहती है महिला सशक्तिकरण में हम बहुत आगे काम कर रहे हैं, सरकार जो कहती है वो करती नहीं है, और आप देख रहे हैं कि लगातार किस तरह से बिहार में बेटियां असुरक्षित है, सरकारी संरक्षण में रह के लड़कियों को व्यापार करवाया जा रहा है, उसकी हत्या की जा रही है, बलात्कार करवाया जा रहा है। इस घटना के विरोध में गाय घाट शेल्टर होम की घटना की बच्चियों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आज हम लोग सड़कों पे उतरे हैं, और सरकार से मांग करते हैं, सरकार को मजबूर करेंगे, जब तक लड़की को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। तो जब तक लड़की को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेंगे। एक चाची है हमारे साथ में, चाची कहती है सरकार कि अब महिला सुरक्षित है, कभी भी सड़क पर निकल सकती है बिहार में महिला। ऐसा हो रहा है, देख रहे हैं ना, आए दिन ये काम हो रहा है, लड़की को किस तरह किया जा रहा है आप लोग ही पता है। आप लोग ही पता है, सरकार को पता है, हर दिन लड़की लोग को प्रताड़ना दिया जा रहा है, कभी घर से, कभी बाहर से, ससुराल से, लोग भी दे रहा है। हाँ, इसमें सब शामिल है, कोई नहीं है का सरकार के कान में तेल है कि आए दिन हो रहा है और नहीं सुन रहा है। सरकार तो कह रही है कि महिला जो आरोप लगाई है वही गलत है, सरकार सही है। सरकार खुद गलत है, गलत कहने वाला ही गलत है।
वो खुश होता है किसी को गलत कर रहा है और देख रहा है कि झूठों को ही मर गया है, झूठो रेप हो रहा है, यानी सरकार की अपनी भूल है। अगर सरकार आप लोगों की बात नहीं सुनेगी तो क्या करेंगे आप लोग? आंदोलन करेंगे, जो होगा सो करेंगे। अच्छा। हाँ, महिला है, हाँ, मेरा इज्जत है, मेरी बेटी बहू का इज्जत है, तो सरकार कहेगा ही सुनेंगे, क्यों सुनेंगे सरकार का? सरकार मेरा नहीं सुन रहा तो हम क्यों सुनेंगे? अच्छा। सरकार नहीं सुन रही है, सरकार नहीं सुनना है, काम में उसको सुनना है, नहीं सुनेगा आगे देखिए जो होना वो होगा। सरकार महिलाओं को क्लीन चिट दे दिया उसको मंत्री को, तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन बड़े व्यापक तौर पे ये बढ़ते जा रही है, क्योंकि जिस तरह सरकार का रवैया रहा है खास करके महिलाओं को सम्मान में दावा करती है सरकार की, महिलाओं के सम्मान में हम काम कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण पे काम कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे काम कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटना सरकार पे सवालिय निशान बनता है। और यहाँ पे महिला संगठन उतर चुकी है, तो यहाँ पे और इसीलिए आज ये महिला संगठन के तरफ से प्रदर्शन निकला है। इसके बाद भी नहीं सुना तो होती है क्या, क्या? नहीं, पूरे बिहार में आंदोलन किया जाएगा। मैडम सरकार कह रही है कि हमने महिलाओं के कहने पे शराब बंद किया, इस वजह से महिला उत्पीड़न कम हो गई है। उत्पीड़न तो लगातार बढ़ा है, शराब से कोई उत्पीड़न नहीं बंद हुआ, अभी जेलों में सबसे ज्यादा गरीब लोग बंद है। तो जेलों में गरीब लोग बंद है क्योंकि जिस तरह से महिला संगठनों ने मोर्चा संभाल लिया है गायघाट मामले पर, अब ये व्यापक तौर पे देखने को मिलेगा क्योंकि पूरे देश से इनको समर्थन मिल रहा है। आपको पिछले दिनों बताया दिखाया था कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं सीमा कुशवाहा, उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं और इस लड़ाई को लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। तो लगातार मैं आपको डाक बंगला चौराहा पे अभी संगठन पहुंच चुकी है, अब इस लड़ाई को कहीं ना कहीं एक अस्मिता के तौर पे देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से महिलाओं पे उत्पीड़न बढ़ा है और गायघाट शेल्टर होम का मामला सामने आया है, और इससे पहले मुजफ्फरपुर सेंट्रल होम का मामला सामने आया था, तो कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल ये निशान बनता है। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें।